कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन के युग में आज भी रोकड़ बही खाते का अपना महत्व है, जहां पुष्य नक्षत्र में शनिवार और रविवार को खजूरी बाजार में रोकड़ बही खाता बुक खरीदने वालों की भीड़ दिखाई दी। रविवार को पुष्य नक्षत्र पर चौपड़ बही खाता खरीदी खूब हुई, जहां व्यापारियों और खरीदी करने वालों में उत्साह दिखाई दिया। इस बार पुष्य नक्षत्र दो दिन तक रहा, जहां शनिवार से पुष्य नक्षत्र शुरू हुआ जो कि रविवार को भी रहा। प्रदेश के सबसे बड़े पुस्तक बाजार यानी कि खजूरी बाजार में दुकानों पर दोनों दिन रोकड़ बही खाता खरीदने वालों का तांता लगा रहा। खजूरी बाजार स्थित गोयल स्टेशनरी के प्रमुख पवन गोयल और हर्ष गोयल ने बताया कि उनकी दुकान वर्षों पुरानी है, वही करीब 5 पीढ़ी से उनका परिवार यही कार्य कर रहा है। वहीं पुष्य नक्षत्र में खरीदा गया रोकड़ बही खाता शुभ माना जाता है, जिसकी व्यापारी मुहूर्त में खरीदी करके धनतेरस को पूजा करते हैं और व्यापार का नया खाता शुरू होता है। रोकड़ बही खाता खरीदने वाले आए व्यापारियों ने भी इस बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? आज पुक नक्षत्र का तो बहुत अति महत्व है साहब, पुराने जमाने के लोग और आज के भी लोग मानते हैं पुक नक्षत्र को। इसका महत्व ही अलग है, बही खाते खरीदने का, सोने चांदी खरीदने का। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो ये बही खाते खरीदते हैं दिवाली से इसकी शुरुआत होती है व्यापार की, खाते की, तो ये सही बात है? सही बात है। वो और अभी विगत 10-15 साल में 1 अप्रैल का हो गया, नहीं तो कि दिवाली पे पूजन होकर दूसरे दिन लिखना शुरू कर देते थे। अच्छा, पहले के टाइम में यही था कि दिवाली के दूसरे दिन आपके बही खाते लिखना शुरू हो जाते थे, भाई दूज के दिन से या पाचम के दिन से भाई खाते लिख देते थे व्यापार। इतनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पर? हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है, ये भतीजा 5वीं पीढ़ी है, मैं 4थी पीढ़ी हूँ। कितना बदलाव है देख रहे हैं आप? बदलाव तो आया सब, अभी भाई खाते में कंप्यूटर आने के बाद थोड़ा कुछ फर्क पड़ा है, बाकी यूँ भाई खाते लगते ही लगते हर व्यापारी को। कहाँ कहाँ से आपके पास? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी में कम से कम 20 से 22 गांव अपने पास में आते हैं खरीदी करने। खजूरी बाजार की बात करें तो कितना पुराना बाजार है? खजूरी बाजार तो आज ये 100-125 साल पुराना बाजार है। अच्छा, हाँ, आपका शुरू से व्यापार यही है? पहले बड़े दादाजी करते थे, फिर दादाजी करे, फिर पिताजी, फिर मैं, अभी अपने हर भैया 5वीं पीढ़ी हो गए। अच्छा, कितने बही खाते आप यहाँ से भेज देते हैं इस बार? ऐसे तो गणित कुछ भी नहीं लगाते, अब जो ग्राहकी का सेल हो जाए, क्योंकि आजकल हर दुकानों पे रखने लग गए बही खाते, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। यानी व्यापार प्रभावित हुआ इस बार? व्यापार प्रभावित नहीं हुआ, होलसेल का काम तो होलसेल चल रही है। अच्छा। रिटेल का नहीं, बढ़ गया ना व्यापार, तो इंदौर फैल गया 60 किलोमीटर में, व्यक्ति जहाँ है वहाँ लेके उसको फ्री हो रहा है। आपका नाम? पवन गोयल। क्षेत्र है और आप ये चौपड़ वगैरह बेचते हैं, क्या कहेंगे आज आज के दिन को लेकर आप? आज का दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ रहता है बही खाते लेने के लिए। आज के दिन सभी लोग बही खाते लेकर रखते हैं और दिवाली के दिन इसकी पूजा करते हैं। कितने वर्षों से आपकी दुकान है यहाँ पर? मेरी 25 वर्षों से दुकान। किस तरह से खरीदी होती है और क्या महत्व है इस आज का? इसका यह महत्व है कि सभी लोग इसको पूजा करते हैं, इससे ये सोचते हैं कि इस साल हमारा और बरकत बढ़े, सारी चीज़ें हो। आप थोक विक्रेता हो यहाँ? थोक विक्रेता। कहाँ कहाँ से ग्राहक आते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। वैसे डिजिटलाइजेशन का युग हो गया है, फिर भी लोग कागज़ पर कहीं ना कहीं निर्भर है, दुकान से लग रहा है, क्या कहेंगे, क्या विचार है? नहीं, बेसिकली है डिजिटलाइजेशन हो गया है, टेली के कारण सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हो गए, उसके कारण कम हुआ है थोड़ा, पर आज भी कागज़ का काम कागज ही करता है। कहाँ पर दुकान है आपकी? खजूरी बाजार मेन रोड पर। आपका नाम? हर्ष गोयल। आप यहाँ पर आज पुष्य नक्षत्र है जी, वही खाता खरीदने आए जी, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? आज पुष्य नक्षत्र है और रवि पुष्य नक्षत्र है, जो व्यापार की दृष्टिकोण से बहुत ही पुण्य माना जाता है। हमारा कई वर्षों से हम जो चौपड़ है नक्षत्र पे ही लेते हैं, जिससे हमारे व्यापार में वृद्धि हो, समृद्धि हो और हमें लाभ हो। किस तरह का आपने खरीदा है यहाँ पर आज चौपड़ा? और हम पूरे साल का चौपड़ा आज रखते हैं, इसमें हमारा लेन देन का पूरा हिसाब रहता है, लेजर रखा जाता है और ये हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब तक का व्यापार और कहाँ पर है? जी, मेरा पेट्रोल पंप है इंदौर में। सब डिजिटलाइजेशन का युग हो गया है, कैसे देखते हैं? कागज़ पे आज भी हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं, लेकिन डिजिटल? मेरा मानना है, कहा जाता है कि बका सो लिखा एक, जो लिखित में हमारे पास रहता है वो सालों तक हमारे पास रहेगा, और कंप्यूटर पे डाटा कभी भी उड़ सकता है, सॉफ्टवेयर कभी भी हैकिंग हो सकती है, तो हमारे पास हम लिखित में रखते हैं सारा डाटा जो हमारे पास सालों से अवेलेबल है। दिवाली पे करेंगे इसका पूजन? जी जी, धनतेरस पे इसका पूजन होता है।
आपका नाम? मेरा नाम कुणाल शाह है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।